एक पुरानी कहावत है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है और डूब कर जाना है। लेकिन यहाँ पर इस कहावत में थोड़ा परिवर्तन किया गया है। यहाँ पर जांच एजेंसियां और यूपी पुलिस की पूछताछ है और उससे गुजर कर जाना है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि हम बात किसकी कर रहे हैं। बात पाकिस्तान से भारत आई महिला सीमा हैदर की हो रही है। इश्क में डूबी सीमा हैदर और सचिन मीणा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। यूपीएसटीएफ लगातार पूछताछ कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने सीमा हैदर उसके चार बच्चों के कागजात और पासपोर्ट की जांच के लिए पाकिस्तानी एम्बेसी से संपर्क किया है। पुलिस ने पाकिस्तानी एम्बेसी के अधिकारियों से पूछा है कि क्या सीमा हैदर उनके देश की हैं और दस्तावेज सही हैं या नहीं। पुलिस ने पाकिस्तानी एम्बेसी को बताया है कि जांच के दौरान सीमा हैदर के पास से कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं, जिनमें उनका पासपोर्ट, पाकिस्तानी आईडी कार्ड और उनके बच्चों का पासपोर्ट शामिल है। इस बीच पुलिस सीमा हैदर के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। वहीं सीमा हैदर ने दावा किया है कि उसने अपने फोन से कोई डिटेल डिलीट नहीं किया है। पुलिस ने उसके जब्त किए गए मोबाइल को आगे जांच के लिए गाजियाबाद की फॉरेंसिक लैब में भेजा है। पाकिस्तान से फॉरेंसिक रिपोर्ट और सीमा हैदर की पहचान की पुष्टि दोनों लंबित हैं और इनके मिलने तक जांच जारी रहेगी। पुलिस का कहना है कि इनकी पुष्टि होने के बाद मामले से संबंधित आरोप पत्र तैयार किए जाएंगे। इस बीच उत्तर प्रदेश एटीएस ने सचिन मीणा और सीमा हैदर के दस्तावेजों और आधार कार्ड में कथित तौर पर फेरबदल के आरोप में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से दो भाइयों को हिरासत में लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी सचिन मीणा के रिश्तेदार हैं। अब उनसे सख्ती से पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर के मामले में परिवार के लोगों की भूमिका भी संदिग्ध है। उनकी भी तमाम बिंदुओं की जांच की जा रही है। सीमा हैदर के तमाम तरह के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, जिसके बाद से पुलिस सोशल मीडिया पर नजर रखे हुए है। बता दें कि साल 2019 में सीमा हैदर की मुलाकात पबजी के माध्यम से ग्रेटर नोएडा के सचिन मीणा से हुई थी। इसके बाद इसी साल मई में सीमा अपने पति को छोड़कर चार बच्चों के साथ यूएई पहुंची। यूएई से फ्लाइट लेकर नेपाल पहुंची। नेपाल से फर्जी दस्तावेज के माध्यम से सीमा हैदर भारत में दाखिल हुई। फिलहाल सीमा हैदर ग्रेटर नोएडा में अपने नए पति सचिन मीणा के साथ रह रही हैं। और कुछ दिन पहले ही दोनों की कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिनमें देखा जा सकता है कि दोनों ने शादी कर ली है।